दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आप इंडोर वीडियो शूट कर रहे होते हैं या फिर आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो यार बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होता है और आपको उसी सिचुएशन में वीडियो शूट करना पड़ता है। और जब आप वीडियो प्ले करके देखते हैं तो आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको आज की वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अपनी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज को हटा सकते हो। तो सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, आप उस वाले वीडियो में देखिएगा कि यार कितनी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज है। तो चलिए मैं उस वाले वीडियो को प्ले करता हूँ। दोस्तों ये ओसाका का रिमोट है, इससे आप अपनी लाइटों को, अपने रिंग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा कि यार इस वाले वीडियो में कितनी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, कितना ज़्यादा डिस्टरबेंस है। तो चलिए मैं आपको इसी वीडियो से सबसे पहले नॉइस को रिड्यूस करके दिखाता हूँ। तो आप इस वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यार आप कैसे किसी भी वीडियो की नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस वाले वीडियो को देखिए। दोस्तों ये ओसाका का रिमोट है, इससे आप अपनी लाइटों को, अपने रिंग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस आपने दोनों वीडियो को देख लिया। मैंने जो आपको फर्स्ट में वीडियो दिखाया था उसमें कितनी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज थी, कितना ज़्यादा डिस्टरबेंस था, और उसी वीडियो से मैंने जो बैकग्राउंड नॉइज थी उसको रिड्यूस कर दिया। तो आपने देखा कि यार कितना अच्छा वो वीडियो बन चुका है, वहाँ से बैकग्राउंड नॉइज सारी की सारी हट चुकी है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ, आप लोगों का आज की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी आप कोई भी वीडियो शूट करें, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि यार मुझे इस वाले वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले वीडियो शूट करने से पहले 10 सेकंड तक साइलेंट रहिए। कैमरे को ऑन कर दीजिए, रिकॉर्डिंग को ऑन कर दीजिए। आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, या फिर आप कैमरे में कर रहे हैं तो कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप 10 सेकंड तक साइलेंट रहिए। 10 सेकंड बाद से आप वीडियो में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर में भी आपको मिल जाएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, नॉइस रेड्यूसर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, क्या कुछ कहानी रहती है चलिए देखते हैं। भाई जैसे आप नॉइस रेड्यूसर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये एप्लीकेशन हो जाता है ओपन। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली से यहाँ पे इम्पोर्ट फाइल पर टच करना है, देन आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बोल रहा है भैया ऑडियो या फिर वीडियो। तो यदि आप किसी ऑडियो से नॉइस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप ऑडियो को चूज करेंगे, यदि आप वीडियो से किसी भी नॉइस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको वीडियो पे सिलेक्ट करना होगा। तो अभी हम यहाँ से वीडियो से नॉइस को रिड्यूस करना है तो मैं यहाँ पे वीडियो को चूज करूंगा। जैसे आप वीडियो या फिर ऑडियो पे चूज करेंगे तो ये आपके फाइल मैनेजर पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको उस वाले वीडियो को या फिर ऑडियो को चूज कर लेना है। तो हमने अभी वीडियो को चूज किया है तो यहाँ पे मुझे वीडियो ही शो करेगा। तो चलिए मैं आपको कैमरे में ले चलता हूँ और यहाँ से हम उस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर देते हैं। तो इस वाले वीडियो को हमें नॉइस रिड्यूस करना है इससे। तो आपके सामने कुछ ऐड आएंगे यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है भैया वीडियो प्रोसेसिंग फिनिश्ड, तो यहाँ पे आपको ओके करना है। वीडियो इम्पोर्ट हो चुका है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको प्ले ओरिजिनल पे आपको टच करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये ओसाका का रिमोट है, इससे आप अपनी लाइटों को, अपने रिंग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस आपने देखा कि यार कितना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पे आ रहा है इस वाले वीडियो में। और जैसे आप यहाँ पे प्ले नॉइसलेस पे टच करेंगे, दोस्तों ये ओसाका का रिमोट है, इससे आप अपनी लाइटों को, अपने रिंग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप चुटकियों में किसी भी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ओरिजिनल को आप प्ले करके देखेंगे तो यार आपका ओरिजिनल वीडियो प्ले हो जाएगा, और जैसे आप प्ले नॉइसलेस पे टच करेंगे तो नॉइसलेस वाला वीडियो प्ले हो जाता है। मतलब ये कि यार आपके वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस हट जाती है। इतना करने के बाद आपको सिंपली से क्या करना होगा, आपको सेव एज पे टच करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं, ऑडियो फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट है। तो आपको सिंपली से क्या करना होगा, MP4 फास्ट एड पे टच करना है। जैसे आप MP4 फास्ट एड पे टच करेंगे देन आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, वीडियो सेव सक्सेसफुली। क्योंकि यार वीडियो काफ़ी छोटा था मेरा, 8 सेकंड का था, इसलिए बहुत जल्दी हो गया। आप ओके करेंगे देन आप गैलरी में जाकर के देखेंगे तो यार आपके फ़ोन में नॉइसलेस जो बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस हुआ है वो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका होगा। बट ये एप्लीकेशन पेड है, इसका आपको कुछ चार्जेस देना होता है। लेकिन यदि आप इसे फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एड देखना होता है। एड देख करके आप पॉइंट को अर्न कर सकते हैं, कॉइन को अर्न कर सकते हैं, और उसके बाद आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि यार बहुत सारे टिप्स आपको वहाँ पे भी मिल जाते हैं। सो गाइस इस प्रकार से आप किसी भी वीडियो से या फिर ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। नॉइस रिड्यूसर एप्लीकेशन है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगी। अब ये एप्लीकेशन पेड भी है, फ्री भी है। यदि आप एड देख करके उसमें पॉइंट अर्न करेंगे तो आप उसमें एक्सपोर्ट कर पाएंगे वीडियो को। कई लोग
कुछ जुगाड़ करके भी फ्री में यूज कर लेते हैं अभी मैं। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक देखने को मिल जाएगी। मेरे इंस्टा आईडी RISJBH1400 आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे भी बहुत सारी टिप्स ट्रिक मिलते रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जब आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।